वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे अपने घर पे होंगे सो so, आज हम अपनी वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हमने हमारा चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट कर दिया था दैट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉट डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो आपको हेल्प करता है डिज़ाइन करने में मतलब वॉज डिज़ाइन टू हेल्प एनालाइज एंड कॉन्फिगर ऑप्टिमाइज अ कंप्यूटर और एप्लीकेशन आपको कैरी आउट करता है आपके ऑपरेशन इन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसका फोकस रहता है कि क्या जो हमारा कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाटा स्टोरेज वो उनको ऑपरेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूटिलाइज करता है आपकी मैनेजिंग को या फिर डिस्क को प्रिंटर्स को अदर डिवाइसिस को कोई आपकी अदर प्रॉपर्टी हो लार्ज साइज़ हो मो सर्विसेज हो स्मॉल साइज़ में हो उन सबको और जो आपका सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को हेल्प करता है परफॉर्म करने में टास्क को बियॉन्ड द रनिंग ऑफ द कंप्यूटर मतलब वो खुद भी चलता है और उसको हेल्प भी करता है ठीक है लाइक वॉचअप वीडियो वीडियो प्लेयर इंटरनेट एक्सेस करके या फिर ग्रूमर गूगल क्रोम वगैरह हम उसमें यूज कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर Uh, ये अब आप खुद रीड कर लेना अभी हम करके ही आए हैं ठीक है नाउ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो हमारे जनरल पर्पस होते हैं ना एप्लीकेशन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन करने उनको सेटिस्फाई कॉमन नीड्स के लाइक ईच बिजनेस यूज टू कंप्यूटर फॉर राइटिंग मेलिंग पर्पजेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है कंप्यूटर्स को कंपनीज uh, को सोल्ड आउट करता है एज अ प्रोडक्ट इन सब में वर्ड प्रोसेसर क्या होता है जो हमारा एक लिटल सेंस है और वर्ड को एक्चुअल ट्रांसफॉर्मिंग करता है रिटर्न टेक्स के एक uh, और एक सिस्टमेटिक ईजी टू रीड टेक्स में और हमारे पास प्रॉब्लम स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं इरेडिक uh, जो हमारा एरर है वो भी हमें चेक करता है आ, हमारे फ़ोन का स्टाइल और साइज भी चेंज जो हमारा एट्रेक्टिव लगता है मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमें उस चीज़ें करने की इन्होंने कुछ प्रोग्राम बताए हुए जो आपको हेल्प करता है टाइप योर टेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामिकल एरर्स एलाइं टेक्स विद इन मार्जिन ऑफर वेराइटी ऑफ फोन स्टाइल एंड फोन साइजेस और प्रिव्यू ऑफ द टेक्सट वो जो आपको टाइप करने में हेल्प करता है और जो वर्ड प्रोसेसिंग है वो रेफर करती है एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग द टेक्सुअल इंफॉमे इंक्लूडिंग टाइपिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डेफिनेशन दी उन्होंने वर्ड प्रोसेसर इज सॉफ्टवेयर यूज फॉर एंट्रिंग एडिटिंग फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर ब्राउचीज इन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं डब्ल्यू uh, डब्ल्यू पेजेस डायरेक्टर बुक्स रिज्यूम में कवर लेटर्स एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट्स न्यूज़ लेटर, लेटर एंड ब्राउचेज ठीक है और कुछ एग्जाम्पल दिए पॉपुलर वर्ड प्रोसेस पैकेज के एम एस वर्ल्ड वर्ड स्टार राइट वर्ड परफेक्ट ची राइटर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वर्ड प्रोसेसर के क्या रहेंगे प्रिंट करते हैं रिलेटिवली एल फ्री डॉक्यूमेंट इन द डिज़ाइन फॉर्मेट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रिंट विदाउट द नीड ऑफ एनी डि ट्राई और ओवर एंड ओवर अगेन प्रिंट हम रिसम्बल कर सकते हैं लाइक फर्स्ट कॉपी जो फैसिलिटी है चेकिंग ऑफ स्पेलिंग और मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस की वो भी है स्पेशल फीचर अवेलेबल है बोल्ड फेस अंडरलाइनिंग इलेक्ट्रिक्स एडजस्टमेंट मार्जिन टैब्स ये सब हमें डिफरेंट क्वालिटी प्रिंट आउट्स की uh, प्रोवाइड uh, कराता है यूजिंग डिफरेंट प्रिंटिंग मोड्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स ये सब में जो हमारे डॉक्यूमेंट है मॉनिटर पे उनको फैसिलिटी व्यू करते हैं मोनिटाइड करते हैं बिफोर प्रिंटिंग जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है वो जो उसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटर मेमोरी है मॉडिफाई उन्हें रिक्वायरमेंट देता है इस पर रिक्वायरमेंट और हेल्प करता है हमारा टाइम और एफर्ट्स भी जो वर्ड प्रोसेसर है हमारी के कन्वीनियंटर जॉब रिक्वायरमेंट मैनी रि रिविजन देकर डॉक्यूमेंट देखें एक्सेप्ट करता है और प्रिंट भी है like reports, करता है उनके फाइनल वर्जन में लाइक प्रिपरेशन करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मैन्यूज क्लिप ऑफ द बुक वर्ड प्रोसेसर अलाउ करता है टू ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कि हमें सिर्फ एक ही जगह इन्फॉमेसन देना तो हम ब्लॉक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करता है कि आप इंटरफेयर कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक ई मेल्स में और जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है उसके बहुत सारे फीचर ऐसे हैं कि जो आपको जॉब फॉर द यूजर इजी क्वाइट दे देता है कि आप जॉब के लिए कुछ कर सको ठीक है करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डॉक्यूमेंट Docu, की क्रिएशन करता है कर्सर को कंट्रोल करता है हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है कि कैसे पोजीशन क्या है कॉलम रो नंबर ऑफ पेजेस इन सब में इंसर्ट करता है ऑटोमेटिक रैप अराउंड और रैप टेक्स है जो हमारे यूजर को सिंपली कंटिन्यू टाइप करता है और सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली मूव करता है लास्ट वर्ड में और जो हमारे फ्रेश लाइंस हैं प्रीवियस लाइंस हैं उनको फिलअप कर देता है डॉक्यूमेंट सेविंग है जो मेरा वर्ड प्रोसेसर है वो ऑटोमेटिकली सेव कर देता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को कोई भी साइड सेविंग फैसिलिटी द सेविंग एंड रिज्यूमिंग एडिटिंग ठीक है स्क्रोलिंग क्या है जो स्क्रोलिंग है मूविंग टेक्स्ट अप एंड डाउन होता है और उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स के लेंथ साइज के अकॉर्डिंग मोनीटर की स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर देता है ओवर टाइपिंग कर देता है लाइक वर्ड लाइन सो ऑन रिप्लेस कर देता है करेक्टर सिक्स को ओवर टाइप ऑफ द न्यू करैक्टर्स होती है इनकरेक्ट करेक्टर्स होती हैं ओवर टाइपिंग हो जाती है हमारे रिप्लेसिंग द ओल्ड करेक्टर्स को विद द न्यू वन डिलीटिशन uh, हो जाती है करेक्टर्स की वर्ड्स की सेंटेंस की पैराग्राफ्स की और इवन डॉक्यूमेंट्स uh, की भी हो जाती है अगर हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हमें करना है हमारे कर्सर्स पे जस्ट की स्ट्रॉक करना है इंसर्ट हमारे जस्ट लाइक डिलीशन करेक्टर वर्ड्स में हम इंसर्ट कर सकते हैं हमें जहां भी हमें करना है विद द हेल्प ऑफ पोजिशिंग ऑफ कर्सर अन अरेजिंग अन डिलीटिंग टेक्स भी हम कर सकते हैं अगर एक्सीडेंटली बाइट में जब कुछ डिलीट हो गया लाइन तो हम उसे बैक मतलब वापस पा सकते हैं बाय द कमांड ऑफ अन और अनरेस कमांड से ब्लॉक मूवमेंट भी बहुत है जो हमारे ब्लुक मार्क है वो नॉर्मली कॉन्टेक्ट टैक्स है और करेक्टर्स मोल है ब्लॉक uh, कॉपिंग है हम टेक्स का ब्लॉक कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को अन अदर एक दूसरे से उसमें भेज सकते हैं वर्ड काउंट कर सकते हैं ऑटोमेटिक काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग कर देते हैं स्पेसिंग मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम उसके अकॉर्डिंग जस्टिफिकेशन में वो एट अ चेंज टाइम हो जाता है मूवमेंट टू स्पेसिफिक प्लेस आप स्पेसिफिक प्लेस में मूवमेंट भी कर सकते हो कमांड दे गया नंबर ऑफ पेजेस या मूव फ्रॉम अनप्रदर सर्च कर सकते हो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को बाय एडिटिंग सर्च एंड रिप्लेस का भी आपको ऑर्डर आप कहीं से भी सर्च और रिप्लेस कर सकते हो स्पेलिंग चेकर भी है अगर आपको कोई स्पेलिंग गलत लिख रही हो तो वो वो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है प्रिंटिंग का भी है मल्टीपल फोन्स भी है मेल मर्ज भी है प्रोटेक्टिंग फाइल्स भी है मतलब आपको हर एक चीज का बेनिफिट है आपको वर्ड प्रोसेसर से न और स्प्रेडशीट क्या होती है स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है आपकी परफॉर्मेंस को क्विक और ईजी कैलकुलेट करने के लिए जो आपका डाटा स्टोर्ड है ठीक है करेक्टिक्स हुए है वर्ड बुक्स है वर्कशीट्स है इतने सारे कॉलम्स हैं और रोज है एक्सेल वर्क इन यूनिक नेम है लाइक ए थ्री डिटोटिंग है कॉलम ए और रो थ्री सॉफ्टवेयर है लाइक एम एस एक्सल सपोर्ट करता है ग्राफिक और चार्ट्स को ईजिली आप एड रिमूव नेम और मूव कर सकते हो आपको बुल फंक्शन ऑटोमेटिकली वर्क इन क्विक मिल जाता है इफेक्टिव मैनर में uh, आपको अलाउ करता है ग्रुप और आउटलाइन डाटा सॉर्ट करता है डाटा वन और मोर फील्ड्स में ओटोली स्पेलिंग ग्रामर चेक कर लेता है कंटेन कर लेता है सपोर्ट करता है आपको अलाउ यू टू ऑटोमेट योर वर्क प्रोसेसिंग यूजिंग एम एक्स को पावरफुल सपोर्ट करता है सपोर्ट फॉर ड्राॅइंग टूल बार फॉर ड्राॅइंग वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ठीक है बहुत सारे करैक्टर्सिक्स है एडवांटेजेस क्या है एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकम स्टेटमेंट इनकम टैक्स कैलकुलेशन पेरोल इन्वायसिंग अकाउंट्स पेबल एंड डिसेवेबल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एनालिसिस इन्वेस्टमेंट एंड लोन एनालिसिस बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेंट्री कंट्रोल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन ये सारी भी आपको स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस बजट होम यूजर्स टू कीप ट्रैक ऑफ डेली एक्सपेंसिस हॉस्पिटल्स यूज स्प्रेडशीट टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज स्प्रेडशीट टू कीप द रिकॉर्ड डिफरेंट स्टूडेंट्स ये सारी एप्लीकेशन है एडवांटेजेस क्या है रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं बिग साइज़ होता है शीट्स का और आप अच्छे से एडिटिड कर सकते हो जो एंटर डाटा होता है उसको फॉर्मेट कर सकते हो मैथमेटिकली टिक्नो किसी भी तरीके से कर सकते हो आपको डाटा व्यूज हो जाएगा आपके ग्राफ्स फॉर्म में आप उसे सेव भी कर सकते हो रिट्रीव भी कर मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है तो जो आपकी एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसको मर्च कर सकते हो एग्जिस्टिंग वर्कशीट इंफॉमेसन एंटर कर सकते हो सॉर्ट कर सकते हो डिज़ाइड कर सकते हो ईजली और क्विकली प्रोड्यूस कर सकते हो रिपोर्ट्स को और आपके जो आंसर है वट इफ़ उनका भी आंसर कर सकते हो जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वर्कशीट में उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अदर सॉफ्टवेयर में ये सारे सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक जहाँ पे आप प्रेजेंटेशंस बनाते हो बहुत सारी जैसे कि स्लाइड्स की फॉर्म में नंबर ऑफ पीपल वाइडली यूज़ करते हैं कंपनीज में एडवर्टीजमेंट्स के लिए ठीक है मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशंस हैं इनकी ये बहुत ये है स्लाइड्स आउट्स uh, hide स्पीकर नोट्स एंड आउटलाइंस सबसे पहले स्लाइड्स होती हैं कितनी स्लाइड्स को आप यूज करना चाहते हो वन टू थ्री फोर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड विजुअल्स टेक्सट चाहिए कैसी चाहिए हैंड आउट्स उसमें आप स्मॉलर प्रिंटर मतलब अपनी स्लाइड्स का वर्जन डालते हो और उन्हें नंबर ऑफ पेज डालते हो डेट डालते हो और अपने ऑप्शन प्रोवाइड करते हो स्पीकर नोट्स जो आप उसमें बताना चाहते हो एक्सप्लेशन डालना चाहते हो वो सब ऐड करो स्पीकर का प्रजेंटेशन रिमेंबर की पॉइंट प्रेजेंट करो फिर आउटलाइंस दो कि क्या क्या आउटलाइंस हैंड बनाओ ताकि वो एक अच्छे से प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन लगे एक मटेरियल एक लगे इंफॉर्मेटिव ओवर ट्रांसफरीज मतलब जहां पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ट्रांसफरीज मिल जाती है करेक्टिस्टिक्स क्या है जो पावर पॉइंट है विजार्ड्स में उसमें मिल जाती हैं क्रिएट कर देती है पलेंटीज़ प्रे, प्रे, है एनिमेशन और साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हो आप फॉर्मेट सेटिंग भी कर सकते हो आपको आई थिंक प्रेजेंटेशन के बारे में पता होगा आप पावर पॉइंट के अंदर कंटेन कर सकते हो ठीक है तो वही सारे सिक्स हैं नाउ डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो आपका उसका कंसेप्ट और मीनिंग क्या है यहाँ पर दिया हुआ है इसे कर लेते हैं बहुत ईजी है, मिलेगा कलेक्शन uh, होता है इंटर रिलेटेड डाटाज का और यूजली डाटा बेस मैनेजमेंट होता है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप आप उसे एक्सेस कर सकते हो अपडेट कर सकते हो मैनेज कर सकते हो आपका जो गोल है उसका वो प्रोवाइड करती है इन्वायमेंट और कन्वीनियंट और एफिशिएंट यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन जो रिट्रीविंग इन्फॉमेसन होती है डाटा बेस की और स्टोर भी कर सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन को करेक्टिक्स है सिंपल टू यूज़ है पावरफुल लैंग्वेज है जो आप अनट्रेंड भी कर सकते हो और उसे अपडेट भी कर सकते हो आप उसमें अपना डाटा शेयर कर सकते हो एग्जिटिंग फाइल्स का न्यू एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो ऑपरेट कर सकते हो ठीक है जो न्यू एप्लीकेशन डाटा होती है वो आपके रिड्यूस कर देती है जो डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको जो आपका एक्सेस डाटा स्टीमुलेट कर सकते हो और जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो लॉस नहीं होते परफॉर्म इनकरेक्टली होती है फ्लैक्सीबल सर्च कैपेबिलिटी है और ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है आपका डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी हो जाती है कि जहाँ पे आपका डाटा एक्सीडेंटली और इंटेंशनली डिस्क्लोज ना हो पीपल्स के आगे और डाटा माइंड कर लेते हैं और आपकी एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन वहीं रह जाती है फिजिकल डाटा जो इंडिपेंडेंट है लेआउट ऑर्गेनाइजेशन का वो चेंज होता रहता है और लॉजिकली इन लॉजिकली जो लॉजिकल इंडिपेंडेंस है वो आपकी ओप्लीकेशन पर रहती है अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या लाइक टेली जो आपके फाइनल रिपोर्ट report को रिपोर्ट्स को एक्सेंज वॉइस हैंडल करती है डिसेबल है और चेकिल है रिपोर्ट्स है वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर क्या है जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है अनेबल्स uh, है हैं फ्लोइंग हाइपर लिंक है सर्च है, करती हैं और जो साउंड्स वीडियोस एनिमेशंस है ठीक है, 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 है इन सबको डेस्कटॉप डेस्टॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर के जो पेज मेकर है और कोड रो है ठीक है टाइपिंग है इन सबको इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे तीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस जो आपकी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस है जो लैंग्वेज हम इम, 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 जो कंप्यूटर इंटरेक्ट करता है ख़ुद से प्रोग्राम से ठीक है यहाँ पे इन्होंने जनरेशन दें आप इनको रहने दो यहाँ पे इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन देखी है सबसे पहले एम एल मतलब मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज क्या है जो आपको डायरेक्टली लैंग्वेज को अंडरस्टूड कर देते हैं हमारे कंप्यूटर को बाइनरी नंबर जीरो टू इन नंबर में और डिफिकल्टी जो मशीन है वो डिफिकल्टी होती है कॉम्प्लीमेंटी टास्क को परफॉर्म करने में एक्सपर्ट्स को करना पड़ता है ट्रांसलेट फ्री कर लेते हैं जो कंप्यूटर है वो ईजी एबल टू अंडरस्टैंड है और अपनी अकॉर्डिंग वो विदाउट द नीड ऑफ कन्वर्जन वो अपने आप समझ लेता है हाई स्पीड है जब भी आपके लिए एप्लीकेशन वगैरह नीडेड पड़ती है तो वो अपने एक्सट्रीम स्पीड की वजह से वो उस एप्लीकेशन को कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है मशीन डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा प्रोग्राम uh, करने में डिफिकल्टी होती है और एरर का कमी रहता है टाइम कंज्यूम होता है और डिफिकल्ट टू मॉडिफाई मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है असेंबली लैंग्वेज क्या है जो सिंबॉलिक नंबर्स में होती है लाइक एड मल्टी डी ए बी सी डी जो इन सब का सिंबॉलिक वर्ड्स में यूज होता है वहाँ पर बहुत अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे वहाँ पे अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है प्रोग्रामर को रिमे याद करके रखनी पड़ती है तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है मशीन लैंग्वेज पर और किसी लैंग्वेज को नहीं करता तो हमें उसको असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसको हम असेंबलर बोलते हैं यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ठीक है इसी इस तरीके से एडवांटेजेस क्या है ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज है लेस एरर प्रोन है इजी टू मॉडिफाई इजी टू प्रोग्राम एफिशिएंसी मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर डिसएडवांटेज मशीन डिपेंडेंट है नॉलेज ऑफ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है लेस एफिशिएंट है स्लो डेवलपमेंट टाइम है और नो no स्टैंडर्डाइजेशन है हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है जिसको हम हाई लेवल को हमें मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है उसको कर, उसको समझने के लिए मतलब ऑर्डनरी अर्थमेटिक को इंग्लिश लाइक लैंग्वेज और जो हमारी बेसिक लैंग्वेज होती है उसको एडवांटेज इजी टू लर्न एंड यूज मशीन इंडिपेंडेंस है इजी डिबगिंग है नो नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर लो डेवलपमेंट कोर्स इजी टू मेंटेन इजी डॉक्यूमेंटेशन एफिशिएंसी लार्ज लार्ज है प्रोग्राम्स को नीड ट्रांसलेट करने में और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है फोर्थ लैंग्वेज हमारी जो है फोर्थ जनरेशन लिया जो हमारी जो नॉन प्रडिशल लैंग्वेज है और हाईली यूज फ्रेंडली है जो प्रोवाइड डाटा प्रोवाइड करती है स्टेट आउटपुट देती है रिक्वायरमेंट करती है और हमारी सभी लैंग्वेज को सपोर्ट uh, करती है और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है और डिजायर आउटपुट भी हमें ला के देती है फीचर्स uh, क्या है हमारी फोर्थ जनरेशन लेवल के ईजी टू लर्न है फ्योर कमांड है रिक्वायर करते है, complex हैं कॉम्प्लेक्स स्टाफ को कन्वीनियंट फीडबैक मिलता है हमें और इम्प्रूव है एज मच फास्टर देन थ्री थर्ड जनरेशन लेवल की नॉन प्रोशबल है इम्प्रूव कर देते हैं हमारी प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी को थ्री टाइम थ्री फोर टाइम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम्पेरेटिव है और ईजी प्रोवाइडेबल है डिफरेंट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज ये आप खुद करना क्योंकि अभी हम पढ़ के ही आए हैं दिस इज द डिफरेंस ओके जो हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो क्या लैंग्वेज ट्रांसलेटर परफॉर्म करता है हमारी ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ लैंग्वेजेस को और असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लेवल और जो ये चेक है आइडेंटिटी एरर uh, है वो प्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम को बीइंग ट्रांसलेटर लाइक असेंबलर कंपाइलर एंड इंटरप्रिटेटर ठीक है ये हमारे हेल्प करते हैं उनको प्रोग्राम करने में असेंबलर क्या है हमारा जो असेंबलर है वो uh, असेंबली uh, लैंग्वेज को प्रोग्राम करता है और मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है उसके ये सारे फंक्शन आप ये रीड आउट कर लेना कंपाइलर क्या करता है हमारा देखिए जो कंपाइलर है कंपाइलर हमारा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कंपाइल करता है और हाई लेवल की लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है सोर्स और प्रोग्राम को कंपाइल करता है फिर ऑब्जेक्ट और प्रोग को प्रोग्राम करके डाटा और रिजल्ट शो कर देता है ठीक है ये डिफरेंस बिटवीन आपको कंपाइलर uh, और इसमें इंटरप्रिटेशन में दिया हुआ इसे आप खुद रीड आउट कर लेना आप इसे खुद कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू हैव हैवे नाइस डे